हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कविता बैरागी। आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। टुडे वी आर गोना स्टार्ट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द नेकलेस। सो लेट्स बिगिन दिस पार्ट। लाइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर। अब जो लाइजल होती हैं, उन्होंने अभी आधे वस्त्र ही उतारे थे। उसने पूछा व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है। She turned towards him excitedly. I no longer have Mame Forestier's necklace. अब क्या होता है कि जो उसकी वाइफ होती है, वह काफ़ी जो होती है काफ़ी ऐसी कंडीशन में बोली कि मेरे गले में अब मैडम फॉरेस्टियर वाला नेकलेस नहीं है। He arose in dismay. अब वो जो है arose का मतलब होता है उठना और dismay का मतलब होता है हताशा से। What? How is that? It is not possible. कि क्या कहा तुमने, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere. They could not find it. अब जो है उन्होंने ड्रेस के सभी तरफ जो है उसको ढूंढना शुरू किया, है ना, और उसको सभी तरह से उन्होंने टटोला, है ना, उनकी पॉकेट्स में देखा, सभी जगह देखा, लेकिन वो नेकलेस उनको नहीं मिला। He asked, "Are you sure? You are sure you still had it when we left the minister's house?" तो उसके हस्बैंड ने पूछा कि क्या तुमको ठीक से याद है कि वह हार तुम्हारे गले में था जब हम घर लौटे थे मिनिस्टर्स के हाउस से। Yes, I felt it as we came out. तो उसकी वाइफ कहती है कि हाँ, जब हम लोग निकले थे तब मैंने उसको फील किया था। But you had lost it in the street. We should have heard it fall. It must be in the cab. तो उसका हस्बैंड कहता है कि यदि तुमने उसको सड़क पर गिराया होता तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ज़रूर ही तुमने उसको कैब में गिराया होगा। Yes, it is possible. Did you take the number? तो उसकी वाइफ कहती है कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि क्या तुमने गाड़ी का नंबर नोट किया था। नो एंड यू Did you notice what it was? तो उसका हस्बैंड कहता है कि नहीं, क्या तुमने नोटिस किया था कि वह क्या था। नो दे लुक्ड ईच अदर अटरली कास्ट डाउन। अब जो है उन्होंने एक दूसरे की तरफ एक निपट भाव से वो देखने लगे। फाइनली लाइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। और क्या होता है, फाइनली जो लाइजल होती है उन्होंने अपनी ड्रेस जो है वापस पहन ली होती है। I am going, he said, over the track where we went on foot to see if I can find it. तो उसका हस्बैंड कहता है कि मैं जा रहा हूँ और उस रास्ते पर जाऊँगा जहाँ हम पैदल चले थे और देखता हूँ वहाँ पर मुझे मिल जाए तो। And he went, she remained in her evening gown, not to having the force to go to bed. अब क्या होता है कि वह वहाँ से, जो उसका हस्बैंड होता है वो वहाँ से चल दिया। अब जो उसकी वाइफ होती है वो अपना इवनिंग गाउन पहने हुए वहाँ पर बैठी रहती है। उसमें जो है बिस्तर में लेटने की भी शक्ति अब नहीं बची थी क्योंकि वो काफ़ी परेशान थी। ओके, टूवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, ही हैड फाउंड नथिंग। अब क्या होता है कि 7 बजे करीब उसका हस्बैंड घर लौटता है लेकिन उसको वहाँ से कुछ भी नहीं मिल पाता है। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसर्स एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग अ रिवॉर्ड। अब वो क्या होता है कि वो पुलिस के पास गया ना, उसने कैब्स के ऑफिसर्स में गया ना, उसने न्यूज़पेपर्स में जो है एक रिवॉर्ड का प्रेजेंट किया और इस तरह से उसने जो है न्यूज़पेपर में न्यूज़ दी कि जिसको भी वह मिलेगा उसको गिफ्ट दिया जाएगा या इनाम दिया जाएगा। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। अब जो है उसकी वाइफ जो है कि सारा दिन घबराई हुई उसका वेट कर रही होती है। लाइजल रिटर्न्ड इन द इवनिंग हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। अब जो लाइजल जो होता है शाम को उसके पीले चेहरे के साथ घर लौटा और उसको वहाँ पर कुछ भी पता नहीं लगा था, मतलब उसको कुछ भी नहीं मिला था। ही सैड राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द ग्लास ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, दैट विल गिव अस टाइम।
तो वह बोलता है कि उसका हस्बैंड ने कहा कि अपनी जो फ्रेंड है तुम उसको लेटर लिखो और कहो कि उसका जो क्लैप्स है कुछ टूट चुका है तो उसको है उसको रिपेयर करवाना है, इसलिए जो है उसको थोड़ा समय लगेगा। शी रॉट एज ही डिक्टेटेड, और जैसे ही उसने कहा वैसे ही वह उसकी वाइफ ने लिखा। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप एंड लाइजल ओल्डर बाय 5 ईयर्स डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस जेवल। अब क्या होता है कि एक वीक बीत जाता है और उसके पास जो है कोई होप नहीं रहती है। और लाइजल जो होती है क्योंकि वो काफ़ी इतनी टेंशन में रहती है तो वो अपनी एज से जो है 5 ईयर्स ज़्यादा ओल्डर दिखने लग जाती है। ठीक है, तो वो कहती है कि हमें उस हार के बदले वैसा ही हार उसको देना पड़ेगा। इन अ शॉप ऑफ पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम टू दैम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रेंसिस, दे कुड गेट इट फॉर 36,000। अब क्या होता है कि एक दुकान पर उन्होंने एक ऐसा ही सेम हीरो का हार देखा होता है और जैसे ही उन्होंने उसको खो दिया था वैसा ही रहता है वो सेम, और जो उसका प्राइस होता है वो 40,000 फ्रैंक होता है, पर वह उनको जो है 36,000 फ्रैंक में मिल सकता था। ठीक है, लाइजल पोजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। ही बोरोड द रेस्ट, ही मेड रूइनियस प्रोमिसेस, टुक मनी फ्रॉम असरस एंड द होल रेस्ट ऑफ लैंडर्स। अब क्या होता है कि लाइजल के पास जो है केवल 18,000 फ्रैंक का ही मतलब जो प्राइस था जो उसके फादर होते हैं उसके लिए छोड़ के गए थे, और जो बाकी का जो प्राइस होता है उसने क्या किया उसको किसी से लैंड लिया है ना, और वो स्वयं को जो है खुद को भाई जो एक बोलते हैं रुइंड करना मतलब तबाह करने वाले वायदे किए है ना, और जो उसको सबसे उसने पैसा लिया। ठीक है, और उसने क्या किया एक नया हार खरीद लिया। वैन मैम लॉजल टुक बैक द ज्वेल्स ऑफ मैम फॉस्टियर, द लेटर सेड टू हर इन फ्रिगेट टोन, यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर, आई माइट हैव नीड दैम। और जब मैडम लाइजल जो है उस हार को लेकर अपनी सहेली के पास गई तो, और उसने है ना काफ़ी जो एक फ्रिगेट टोन होती है एक ठंडे स्वर में उसको कहा कि तुम्हें यह शीघ्र ही लौटा देना चाहिए था क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ सकती थी है ना, तो वो ऐसे उसको कहती है। ठीक है, मैम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लाइजल फियर्ड शी वुड। व्हाट वुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, व्हाट शुड शी से, वुड शी टुक टेक फॉर अ रॉबर। अब जो मैडम फॉरेस्टियर होती है उन्होंने जो जो बॉक्स होता है वो उसको खोलकर भी नहीं देखती है ना, जो मिसेस लाइजॉल लेकर आती थी है ना, तो मतलब उनको ऐसी आशंका थी कि वो उसको खोलकर देखेगी है ना, तो और वो उसको सोचती है कि वह सब क्या सोचेगी यदि उसको पता चल गया या उसने हार पहचान लिया है ना, या उसको भाई कि वो क्या कहे, वो उसको चोर समझेगी है ना, तो ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो उस बॉक्स को खोलकर नहीं देखती है। मैम लॉजियल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, शी डिड हर पार्ट, हाउ एवर शी कंप्लीटली हीरोइकल, इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट, शी वुड पे इट। दे सेंट अवे द मैड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन एटिक। अब क्या होता है जो मैडम लाइजल होती है उनको एक काफ़ी जो है विकट जिंदगी जीती है ना, पर उसने अपना रोल जो है काफ़ी पूरी बहादुरी के साथ निभाया है ना, इस भारी मतलब जो उसको ऐसा लगता है कि ये सब क्या है उसके लिए एक ऋण है मतलब एक उधार है जो उसको चुकाना है। ठीक है, तो उसने घर लौटा है ना, तो उसने भाई उसको लौटाने की ठान ली कि उसको वो जो नेकलेस है वो उसको लौटाना है, तो उसने क्या किया अपनी जो मेड है उसको हटा दिया, उन्होंने घर भी बदल लिया है ना, और उन्होंने अटारी में कुछ जो रूम्स थे वो भी रेंट पर दे दिए। शी लर्न द ऑब्वियस वर्क ऑफ अ किचन, शी वॉश द डिशेस, शी वॉश द सॉइल्ड लिनन, देयर क्लोथ्स एंड दिस क्लोथ्स विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, स्टॉपिंग ऑफ ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, एंड क्लोथ लाइक अ वुमेन
of the people, she went to the grocers and butchers and fruiterers with her basket on her arm, shopping, haggling to the last saw of her miserable money. अब जो है उसने अपनी जो किचन है उसको गिनोना और जो एक काम होता है वो उसने सीख लिया. वो अपनी है ना जो प्लेट्स हैं उनको धोने लगी और जो बिल्कुल जो डर्टी क्लोथ्स होते हैं है ना, और उसको अपनी जो समीजे हैं है ना, जो अपनी इनर्स हैं और प्लेट हैं के ऊपर ढकने वाले जो कपड़े हैं वो भी वो खुद धोने लगी. इन्हें वह अलगनी पर सूखने के लिए लटकाती. वह कूड़ा हर प्रातः नीचे सड़क पर फेंकने के लिए जाती और पानी भरकर ऊपर लेकर, मतलब उसने सारे हाउस होल्ड वर्क्स किए है ना. पर जब उसकी सांस फूलने लगती तो वह हर चौकी पर क्या करती थी, कुछ समय के लिए रुक जाती थी और वह जो दूसरी जो लेडीज़ होती हैं है ना उनको वैसे वस्त्र पहनकर है ना, और जो फलों की दुकान वाले होते हैं उनके लिए जो टोकरियां होती हैं उनको ले जाने लगी है ना. और वो हर एक एक पैसे के लिए क्या करती थी, मोल भाव करती थी है ना. पहले से तो वो बहुत ज़्यादा वैसी थी, फिर वो और भी चीज़ें ये सारी करने लगी क्योंकि उसको जो है वो रेंट पैसे जो थे वो देने थे. द हस्बैंड वर्कड इवनिंग पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट्स ही ओपन डिड कॉपिंग एट 5 सॉस ऑफ अ पेज. अब जो है उसका हस्बैंड जो है शाम को काम करने लगा, वो कुछ व्यापारियों का हिसाब किताब ठीक करने लगा और रात को 5 सिक्के प्रति पृष्ठ की दर से नकल करने का काम करने लगा. ठीक है. एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स. एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल. और ऐसे ही उनकी लाइफ जो है पूरे 10 ईयर्स तक चलती रही और 10 ईयर्स के बाद जो है उन्होंने जो सारा ऋण था वो चुका दिया. मैम लॉजियल सीम्ड ओल्ड नाउ. अब जो मैडम लॉजियल है, लाइजोल है, वो काफ़ी ओल्ड दिखने लगी थी. ठीक है. She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household, her hair badly dressed and skirts away, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. अब जो मिसेस लाइजोल थी अब वो बूढ़ी दिखने लगी थी. वह बहुत ही मतलब एक हार्ड वूमेन बन चुकी थी, किसी गरीब परिवार से की फुकड़ औरत टाइप की बन चुकी थी. जो उसके हेयर थे वो उससे काफ़ी ढंग से जो है वो उनको सेट नहीं कर पाती थी. उसकी जो स्कर्ट थी उसमें भी काफ़ी सिलवटे थी और उसके हैंड्स जो थे वो रेड थे. अब वो जो है काफ़ी लाउड वॉइस में बोलने लगी थी और पानी की बड़ी बड़ी बाल्टियों से क्या करती थी, वो फर्श को साफ करती थी. बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस शी वुड सिट हरसेल्फ before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. अब क्या होता था कि कभी कभी जब उसका हस्बैंड ऑफिस में होता था तो वो खिड़की पर बैठकर उस शाम को याद करती थी, जब उसको उस डांस को वो याद करती थी कि वो कितनी सुंदर दिखती थी और लोग जो है उसकी तारीफ करते थे. How would it have been if she had not lost the necklace? Who knows how singular is life and how full of changes, how small a thing will ruin and save one. है ना. तो वो उसके बारे में सोचती थी कि यदि उसने वो हार नहीं खोया होता तो कौन जाने ना जीवन कितना अजीब है ना, कितना परिवर्तनों से भरपूर है, कितनी छोटी सी चीज़ है ना व्यक्ति को जो है बर्बाद कर सकती है ना, और उसके जीवन की रक्षा कर सकती है. वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स एलिसेस टू रेड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक शी सडनली परसीव्ड a woman walking with a child. It was Mam Forestier, still young, still pretty, still attractive. अब एक संडे क्या होता है जब वह अपनी जेम्स एलसी में अपने सप्ताह भर की थकान मिटाने के लिए घूम रही थी, उसे सहसा एक लेडी अपने बच्चे के साथ दिखाई देती है. ठीक है. यह तो अब वो उसको पहचान लेती है कि वो जो थी वो मैडम फॉरेस्टियर थी ना, और वो अभी भी कैसी दिखती थी, यंग दिखती थी, सुंदर दिखती थी और काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती थी.
मैम, लाइजॉल वॉज अफेक्टेड. शुड वी स्पीक टू हर? यस सर्टनली. एंड नाउ दैट शी हैड पेड, शी वुड टेल हर ऑल. वाई नॉट? तो वो सोचती है कि वो उससे जो है बात करे या ना करे, है ना, और अपनी सहेली से बात करे. फिर वो सोचती है कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अब तो 10 साल हो चुके हैं और वो उसका सारा जो ऋण है वो चुका चुकी है, तो वो उसको उसके बारे में क्यों ना बताएं. शी अप्रोच्ड हर. गुड मॉर्निंग जेनी. तो वो क्या करती है, उसको अप्रोच करती है, ठीक है, उसके पास पहुँचती है, उसको गुड मॉर्निंग जेन बोलती है. हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो. मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन. अब क्या होती है कि जो उसकी फ्रेंड होती है वो उसको उसको नहीं पहचानती है ना, और वह इस व्यक्ति द्वारा अपने जान पहचानने नाम से संबोधित करने पर काफ़ी वो क्या होती है, आश्चर्य हो जाती है. तो वो काफ़ी हकलाते हुए बोलती है कि लेकिन मैडम मैं आपको नहीं जानती, आपको क्या हुई है, गलती हुई है. नो आई एम मैटिल्डा लाइजॉल. तो वो बोलती कि नहीं मैं मैटिल्डा लाइजॉल हूँ. हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट. ओ माई पुअर मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, है ना. तो उसकी जो फ्रेंड होती है उसको एक हैरानी से चीख निकलती है कि ओ मेरी बेचारी मैटिल्डा, तुम इतने अधिक कैसे बदल गई हो. ओके, यस आई हैव सम हार्ड डेज सिंस आई सा यू एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, है ना. तो वो कहती है कि हाँ जब से मैं तुमसे मिली थी तब से मैंने कुछ कठोर दिन बिताए हैं और कुछ निराशापूर्ण, और सब तुम्हारे कारण, है ना. तो वो बोलती है बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल. अब वो बोलती है मेरे कारण, वह कैसे. तो वो उसको बताती है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे मंत्री की जो एक बॉल पार्टी हुई थी उसमें पहनने के लिए एक हीरो का हार उधार लिया था. तो वो बोलती है यस वेरी वेल, है ना. तो वो बोलती है कि हाँ बहुत अच्छी तरह से, ठीक है. तो वेल आई लोस इट, हाउ इज़ दैट, है ना. तो वो उसको बोलती है कि मैंने उसको क्या कर दिया, घुमा दिया. तो वो उससे पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है ना. I returned another to you exactly like it and it has taken us 10 years to pay for it. You can understand that it was easy for who have nothing, but it is finished. I am decently content. अब वो बोलती है कि मैंने बिल्कुल वैसा ही हार तुम्हें वापस लौटा दिया था और उसकी कीमत अदा करने के लिए हमें क्या लग गए, 10 वर्ष लग गए. तुम समझ सकती हो कि ऐसा करना हमारे लिए आसान नहीं था, लेकिन अब यह कर्ज चुका चुके हैं और अब पूर्ण रूप से मैं हूँ संतुष्ट हूँ, है ना. मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट. शी सेड यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, है ना. तो जो मैडम फॉरेस्टियर ने उसको बीच में टोक दिया और उन्होंने कहा कि तुम कहती हो कि तुमने मेरे हार के बदले एक हीरो का हार खरीदा था. यस ही डिड नॉट परसीव इट देन. तो वो बोलती है कि हाँ क्या तुमने उसको नहीं देखा था, वे बिल्कुल एक जैसे थे, है ना. एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय. मैम फॉरेस्टियर वॉज टस्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एंड शी रिप्लाइड ओ माई पुअर मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ अवर 500 फ्रांसिस, ठीक है. तो अब क्या होता है, जो मैडम फॉरेस्टियर है वो काफ़ी द्रवित हो जाती है और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उससे कहती है कि ओ मेरी बेचारी मैटिल्डा, मेरे हार के डायमंड कैसे थे, नकली मतलब आर्टिफिशियल थे, और उनकी जो कीमत थी, उनकी प्राइस थी, वो केवल 500 फ्रैंक थी, है ना. तो मतलब जो उनके पास जो नेकलेस था वो कैसा था, नकली था. लेकिन क्या हुआ, जो मैडम लाइजॉल है उनको उन्होंने उसके पछतावा किया और उन्होंने वैसा ही हार उनको 10 साल का हार्डवर्क करके दिया, ठीक है. सो ये हमारी पोएम थी. आई होप यू विल लाइक दिस पोएम. थैंक यू.